हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग उस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा सा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। आज हम लोग बात करेंगे मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो ये शेयर अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 80-81 के बीच में चल रहा है। ये आज हाई गया था 83 और लो गया था 76। ओके, और 52 वीक्स इसका जो हाई है वो आज का ही हाई है। इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो आपका है 975.68 करोड़। कंपनी के ऊपर आपका डेप्ट है 139.55 करोड़। मतलब इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.22। किसी भी कंपनी का अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, यहाँ पे एक से कम है। और इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है आपका 2.31। किसी भी कंपनी का अगर कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। और इस कंपनी में आपका प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 67.79%। किसी भी कंपनी में अगर प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और 40% से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, यहाँ पे 40% से ज्यादा है। और एक अच्छा बात है कि ये जो 67.79% है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, तो फंडामेंटली ये एक अच्छा शेयर है। अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे चार्ट पे। तो देखिए, मैं क्या करूंगा, पहले इसका बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट देख लूंगा, क्योंकि बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोग को किसी भी शेयर का जो ट्रेंड होता है कि शेयर अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में हो क्लियरली समझ में आता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया। अगर ध्यान से देखिएगा, लास्ट दो दिन से हम लोगों को यहाँ पे बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। आज भी देखिए गैप अप में ओपन हुआ है, और शेयर आपका जो कैंडल है वो आपका पॉजिटिव कैंडल ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट पे। तो देखिए, इस जगह पे ये आपका कौन सा जगह, मैं आपको बता देता हूं अभी। ये आपका है 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर पर यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म करके। इसका जो एक रेसिस्टेंट लेवल था, देखिए मैंने यहाँ पे एक पर्पल कलर का एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, ये इसका एक रेसिस्टेंट लेवल है। ये जो रेसिस्टेंट लेवल है इसको ऑलरेडी पिछले दिन ट्रेडिंग के दिन तोड़ दिया था, ठीक है। आज उसके ऊपर गैप अप में पॉजिटिव कैंडल फॉर्म कर लिया है ऑलरेडी, तो एक अच्छा साइन है। और आज के डेट में शेयर जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं आपका 100 डेज 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। RSI भी आपका अबव 60 और MACD भी आपका 0.0 से ऊपर है। मतलब डेली चार्ट में हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। अगर ध्यान से देखिएगा, पिछले वीक ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म करके सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया। और क्या कहा, जिस कैंडल में बाय सिग्नल दिया वो कैंडल देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, पर्पल कलर का फिर से वीकली चार्ट में एक लाइन ड्रॉ किया। ए भी इसका एक सपोर्ट लेवल है, सॉरी रेसिस्टेंट लेवल है। इस रेसिस्टेंट लेवल को पिछले वीक में जो कैंडल फॉर्म किया, पॉजिटिव कैंडल फॉर्म किया जिसमें सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया, उसी कैंडल में इसका जो रेसिस्टेंट लेवल है उसको तोड़ के इस रेसिस्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज किया, तो ये भी एक अच्छा बात है। RSI देखिए अबव 60 है और MACD भी 0.0 से ऊपर है। तो वीकली चार्ट में भी हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे आपका पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है। और एक अच्छा बात है कि तो बहुत दिन पहले यहाँ पे आपके 50 डेज और 100 डेज का जो मूविंग एवरेज था उसको तोड़ दिया था, लेकिन पिछले वीक में जिस कैंडल में ये इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ा है उसी कैंडल में इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज था उसको भी तोड़ दिया, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। तो देखिए, मंथली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अगर ध्यान से आप देखिएगा, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा हटा लेता हूं। इस जगह पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था पिछले साल अगस्त का महीने में, ठीक है। तब से ये शेयर कुछ देर तक कंसोलिडेट हुआ, लेकिन इस महीने देखिए ये शेयर इसका जो 200 डेज 100 डेज और 50 डेज का मूविंग एवरेज है इसी महीने में ऑलरेडी इसको तोड़ के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो ये भी एक अच्छा साइन है, ठीक है। और एक अच्छा साइन है, देखिए इस जगह से पिछले टाइम पे शेयर गिरा था, फिर से अब बढ़ना शुरू हुआ था। ये जो लेवल था लगभग उसी लेवल पे अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और RSI भी देखिए आपका अबव 60 है और MACD भी 0.0 से ऊपर है। लास्ट जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया है वो भी आपका पॉजिटिव कैंडल है। मतलब
मंथली चार्ट में भी हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है। मतलब हम लोगों ने पहले क्या देखा, इसका फंडामेंटल देखा, फंडामेंटल का डेटा है वो एवरेज में ही है, मतलब अच्छा ही है, बुरा कुछ नहीं है। डेली चार्ट देखा बहुत ही अच्छा, वीकली चार्ट देखा वो भी अच्छा, मंथली चार्ट देखा ये भी अच्छा। तो मेरे हिसाब से इसका जो भी करेंट मार्केट प्राइस है लगभग 80-81 का, इसी प्राइस में अगर इस शेयर को खरीदा जाए तो ये शेयर बहुत जल्दी मतलब 2 से 3 महीने के अंदर 95 का जो टारगेट है अचीव कर लेगा। और 80 रुपए का एक शेयर में 15 रुपए का प्रॉफिट मिलता है 2-3 महीने में तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे जरूर एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं कि ये शेयर खरीद लीजिए, ये शेयर बाय कर लीजिए। मैं क्या सबका जस्ट अपना ओपिनियन आपको बताता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद।